अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अमेजिंग फूड लैब में खुश आमदीद। आज हम जो रेसिपी आपके लिए बनाने जा रहे हैं वो है बेसन के स्नैक्स। तो हमने इसमें जो है वो ये स्नैक्स बहुत इजीली बन जाते हैं, या कोई भी गेस्ट आ जाए तो इजीली आप घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इसके लिए हमने बेसन लिया है। बेसन में हमने अपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। एक चम्मच हमने लाल मिर्च ऐड किया है और हल्दी एक चम्मच। उसके बाद दो चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है, ज़ीरा एक चम्मच और एक चम्मच ही नमक। उसके बाद हमने ये छोटी चॉप हुई प्याज, हरी मिर्चें और धनिया। ये बेसन के स्नैक्स बनाने के लिए हमने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी हैं। ये ऐसे स्नैक्स हैं जो आप कोई भी गेस्ट आ जाए तो आप फौरन उसी टाइम बना सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आप क्या बनाएं इस टाइम, आपको बाहर से कुछ ना मंगवाना पड़े, तो आप ये वाले स्नैक्स बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा पतला बेसन नहीं बनाना, थोड़ा थिक हो, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हमने इसको तैयार करना है। इस तरह से बेसन हमारा ये देखें इस तरह से तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब तवे पे हम ऑयल लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगाना है आपने, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। इस तरह से आपने बेसन को तवे पे डालना है और इसको सारी साइड से राउंड में फैला देना है। ये देखें, चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसको फैला देंगे सारी साइड्स पे और राउंड में इसको इस तरह से करेंगे ताकि ये रोटी की इसकी जो शेप हो वो रोटी की तरह हो। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते रहना है, लास्ट तक हमने इसको फोल्ड करना है। और इस पर फिर हमने हल्का सा ऑयल भी लगाना है इस तरह से। ये देखें जी, हमारे बेसन के स्नैक्स रेडी हैं। हमने इनको डिश आउट किया और हमने उसको कट कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।